हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल महिमा सिंह में। सो गाइज, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे आज का वीडियो किस बारे में है। आज का वीडियो इस बारे में है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। तो जो पॉइंट्स मुझे पता हैं, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, जो न्यूली मदर बनने वाली हैं उनके लिए। और बहुत सारी क्वेरीज होती हैं प्रेगनेंसी में कि क्या करें क्या ना करें, सो उसको आज आपको थोड़ा बेनिफिट होगा, आपको थोड़ा उस बारे में नॉलेज मिलेगी कि जिससे आप ये समझ पाएंगे कि वाकई क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, प्रेगनेंसी को 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं डॉक्टर्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 1 से 3 मंथ का होता है, 1 और 2 और 3। तो गाइस, आप जानते ही हैं कि सेकंड मंथ में तो हमें पता ही चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो पूरा मंथ ये सब खुशी में बीत जाता है। तो बहुत जरूरी है, खुशी के साथ साथ आप अपना ध्यान भी रखें उस दौरान। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको स्टेयर नहीं चढ़नी है, आपको वजन नहीं उठाना है, ज्यादा देर खड़े नहीं होना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो अबॉर्शन का खतरा ज्यादा रहता है, तो इसलिए आपको इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी वजन नहीं उठाना है, ज्यादा देर खड़े नहीं होना है, एंड स्टेयर ज्यादा नहीं चढ़नी है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। आप वर्किंग वूमेन है तो अपनी स्थिति को देखकर ही आप अपना वर्क करें, वर्कलोड लें, स्ट्रेस ना लें। एंड सेकेंड आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में गाइज, बेबी आपका ग्रो करने लगता है, ज्यादातर मोस्टली जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो बन जाते हैं। एंड उस दौरान आपको सबसे जरूरी है, आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस ना लें, हैप्पी रहें। एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो मंथ होता है उसमें बेबी ग्रो करता है, अपने बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं उसके बन चुके होते हैं। एंड आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अच्छा खाएं एंड अच्छा म्यूजिक सुने, जो आपको पसंद है वो करें, खुश रहें, कोई अच्छी बुक पढ़ें, अच्छा म्यूजिक सुने, या जिस भी लोड में आपको फेथ हो, मैं ये नहीं कहती हूं कि सब ऐसा करें, लेकिन जो जो आपकी इंटरेस्ट के अनुसार जिस भी लोड में आपको फेथ हो उसके बारे में सोचें, उसके बारे में सुने, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत रिलैक्स फील होगा। सॉफ्ट म्यूजिक सुने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से। गाइस, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे नहीं है कि खुशी रह जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन और वोमिटिंग वगैरह, ये सबके अपने अपने बॉडी टाइप के अनुसार होता है, सबकी बॉडी अलग होती है, तो ये सब अपनी अपनी बॉडी टाइप के अनुसार होता है। किसी को वोमिटिंग होती है, किसी को नहीं होती, किसी को फर्स्ट 3 मंथ होती है एंड किसी को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी होती है। तो ये सब आपकी बॉडी पर निर्भर करता है, हर किसी की बॉडी एक सी नहीं होती। एंड ये सब जो है आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ये थोड़ा बहुत दिक्कत तो आपको पूरी प्रेगनेंसी दौरान आती ही है। तो इस दौरान आप ये कीजिए कि आप खुश रहिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, जो आपका मन करे वो खाइए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो आपका मन करे वो खाइए। और दूध जरूर लीजिए, उससे आपके कैल्शियम में कमी नहीं आएगी, और रेगुलर डॉक्टर से चेकअप जरूर कराइए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब आता है लास्ट ट्राइमेस्टर, 7, 8 और 9th मंथ। ये मंथ जितने भी होते हैं ये बेबी के ग्रो वेट को बढ़ाते हैं, बेबी बड़ा होता है, आपका वोम बड़ा होता है एंड बेबी पूरी तरह से विकसित हो जाता है। और आपको बहुत अच्छे से फील तो आपको 5th-6th मंथ में ही हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छे से किक वगैरह ये सब आपको फीलिंग आती है, वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप हमेशा वैसे ही हैप्पी रहेंगे अपने बेबी के बारे में सोच के, अपने बेबी से बात कीजिए, आपका स्ट्रेस इससे कम होगा। और लास्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बेबी मूव कितनी बार कर रहा है और मूव अच्छे से कर रहा है या नहीं। आपको थोड़ा सा भी लगे कि बेबी मूव नहीं कर रहा है, पेट में कोई हलचल नहीं हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ये थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है। तो गाइस, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका बेबी सही से मूव करे, तो पता चल जाता है बेबी का मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप बहुत अच्छे से ये चीज ध्यान रखें। एंड खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका वो वक्त आने वाला होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में कि जब आपका बेबी आने वाला होता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, आपको पेन रहने लगेगा, छोटी मोटी ये सब चीजें। देखिए, बॉडी में जब हम कुछ इतना वेट होगा तो पेन तो ऑब्वियसली होगा ही होगा और दिक्कत भी होगी, लेकिन उस दौरान भी आपको अपने खाने पीने का मूड स्विंग करता है, ये पक्की बात है, मूड स्विंग करता है, लेकिन इस दौरान आपको सिर्फ अपने बेबी के बारे में सोचना है, उसको हेल्दी रखना है एंड वो सिक्योरली
दुनिया में आ सके, इस चीज का ध्यान रखना है। और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान सबसे जरूरी बात है आप हैप्पी रहिए, एंड ये सोचिए कि भाई बेबी सही से, बेबी के बारे में सोचेंगे, उससे बात करेंगे तो आपका मूड लाइट रहेगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग अ पूरी प्रेगनेंसी। तो आपको ये सब बातें पता भी होंगी या कुछ नहीं पता भी होंगी, लेकिन ये इतनी बातें जो छोटी छोटी बातें होती हैं आपको ध्यान रखनी जरूर चाहिए। तो गाइज ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो मुझे जरूर बताइए, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई भी आपको क्वेरीज लगे या इस टॉपिक पर किसी और टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी जितना मुझे पता है। मैं चाहती हूँ आप सबके साथ शेयर करूँ, एंड बाय गाइज़।